आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर जिले के भेलवा घाटी, बेंगाबाद और गांडे थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने छापेमारी कर नौशात्र साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 55 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आईपैड, 1 लैपटॉप, 3 पावर बैंक और 4 बाइक बरामद की। इस प्रकार लगभग 30 लाख रुपये की सामग्री बरामद की गई है। झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि साइबर अपराधियों के द्वारा किसी अपराध को करने की योजना किसी सुनसान जगह पर बनाई जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 55 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 1 एटीएम, 2 पासबुक, 3 आईपैड, 1 लैपटॉप, 3 पावर बैंक, 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये लोग ने स्वीकार किया है कि ये मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे तथा गूगल पर एक फर्जी पेज बनाया था, उस पेज के माध्यम से ठगी किया करते थे। अब तक लगभग करीब 100 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और गिरिडीह पुलिस के द्वारा यह अभियान जो चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। विगत दिनों से लगातार छापामारी अभियान चलाए जा रहे हैं। साइबर अपराधी लगातार अपना ठिकाना भी बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ये अलग अलग स्थानों पर छापामारी के दौरान पकड़े गए। कई बार पहाड़ों पर ठगी करने की कोशिश की, पुलिस ने पकड़ा। कई बार नदी के किनारे ठगी करने की कोशिश की, पकड़े गए। और इस बार ये जंगल के बीचों बीच अपनी पूरी टीम के साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने योजनाबद्ध ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ और घेराबंदी करके पकड़ी है इन साइबर अपराधियों को। अभी भी साइबर अपराधियों के लिए सख्त संदेश है, या तो वो साइबर अपराध से नाता तोड़े या फिर जेल जाने को तैयार रहें, अन्यथा आप कहीं भी छुपे होंगे पुलिस आपको ढूंढ कर पकड़ेगी और सलाखों के पीछे भेजेगी। साहब, ये मोबाइल सब नया पकड़ा है? इसमें कुछ ऐसे मोबाइल भी बरामद किए गए हैं जो चोरी के मोबाइल थे और किसके माध्यम से मोबाइल इनके पास पहुंचते थे उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान आगे कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।